नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग अपने करियर में सफलता पाने के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, जैसे BBA, MBA, आर्किटेक्चर और बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स। लेकिन क्या प्रोफेशनल कोर्सेज करने के बाद भी हर व्यक्ति अपने करियर में, अपने बिजनेस में बहुत अधिक सफलता हासिल कर पाता है? अगर आप अपने आसपास बहुत सारी कंपनीज के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को देखेंगे तो उनमें से बहुत सारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स बहुत हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन क्या उसके बावजूद भी वो मार्केटिंग में बहुत अधिक सफलता हासिल कर पाते हैं? कुछ ही मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स सेल्स में बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर पाते हैं, जिनका नाम जाने माने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स में शामिल हो पाता है और वो अपने कंपनी के लिए की एम्प्लॉइज के रूप में काम करते हैं। लेकिन बाकी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अपने जीवन में वो बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते जो कुछ चंद लोग कर पाते हैं। ठीक इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स MBA करते हैं और जब मार्केटिंग में अपना करियर शुरू करते हैं तो चंद ही मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में सफल हो पाते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे रहस्य, यदि आप उन रहस्यों को समझ लें तो आप भी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में, सेल्स टीम के रूप में, सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में अपनी करियर में बहुत अधिक सफलता हासिल कर सकते हैं। सफल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स कभी भी अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज के प्राइस को वैल्यू नहीं देते, वो हमेशा अपने बायर को उस प्रोडक्ट या उस सर्विस से मिलने वाले लाभ के बारे में फोकस करते हैं। मतलब वो हमेशा ये समझाना चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट से या उस सर्विस से कंज्यूमर को क्या लाभ होने वाला है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है और किस तरह से वो प्रोडक्ट या सर्विस उनकी कंपनी में, उनके बिजनेस में, उनके प्रोफाइल में, उनकी सोशल लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जो कंज्यूमर या क्लाइंट वो हाई वैल्यूएशंस के प्राइस की चीज़ों को खरीदते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, वो हमेशा एक रेप्यूटेड ब्रांड खरीदना ही पसंद करते हैं। इसीलिए आपको अपनी पर्सनैलिटी में वो स्पार्क लाना होगा कि आप इस तरह के कंज्यूमर को आसानी से प्रभावित कर सकें। और पर्सनैलिटी में वो स्पार्क लाने के लिए आपको खुद भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे आपका ब्रांडेड गॉगल, जैसे आपके ब्रांडेड शर्ट, आपके ब्रांडेड शूज, आपके ब्रांडेड बेल्ट, आपके ब्रांडेड वॉच। ये चीजें आपको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी देती हैं, जिससे जब आप अपने क्लाइंट से मिलते हैं तो उसके सामने आपकी छवि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से प्रदर्शित होती है। एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू अचीव अ गुड रिजल्ट फ्रॉम योर कंज्यूमर और योर क्लाइंट, एक्सप्रेस योरसेल्फ लाइक अ ब्रांड। आप अपने आप को और अपनी कंपनी को एक ब्रांड के रूप में रिप्रेजेंट करें ताकि आप सामने वाले व्यक्ति को आसानी से प्रभावित और आकर्षित कर सकें। एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू सेल योर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, ऑलवेज ट्राई टू टारगेट रिच पीपल एंड हाई प्रोफाइल पीपल। और आपको देखना होगा कि रिच पीपल और हाई प्रोफाइल पीपल आपको कहाँ मिल सकते हैं। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में, इस तरह के क्लब्स में, इस तरह की मीटिंग्स में, इस तरह के इवेंट्स में, इस तरह की पार्टीज में आप हमेशा पार्टिसिपेट करें, वहीं पर आपके रिलेशन बिल्ड होते हैं इस तरह के क्लाइंट्स। एंड यू नो ऑल द रिच पीपल एंड द हाई प्रोफाइल पीपल वॉन्ट टू बाय अ ब्रांडेड प्रोडक्ट, वो हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदना ही पसंद करते हैं। इसीलिए आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने ब्रांड को उनके सामने प्रेजेंट कर सके, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू ब्रांड की होती है, ना कि प्राइस की। कई बार हायर प्राइस पर भी वो चीज़ खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं अगर वो ब्रांड उनके मन को पसंद आ जाए। हाई प्रोफाइल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हमेशा फोकस करते हैं क्वालिटी पर, ना कि क्वांटिटी पर। आपको ये देखना होगा कि जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का है, किस स्टैंडर्ड का है, किस इंटरनेशनल पैरामीटर को फॉलो करता है, ताकि आप अपने क्लाइंट के साथ उस प्रोडक्ट में आसानी से डील कर सकें। यूज द हाई क्लोज। हाई क्लोज का मतलब होता है आप अपने प्रोडक्ट को इस तरह से प्रेजेंट करें कि ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, लिमिटेड एडिशन में आया हुआ है और स्पेशली आप जैसे कंज्यूमर के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। जब किसी भी हाई प्रोफाइल पीपल को ये पता लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरी पर्सनैलिटी, मेरी एबिलिटी या मेरे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिज़ाइंड है, या ये प्रोडक्ट लिमिटेड एडिशन है, मार्केट में कम अवेलेबल है, या ये प्रोडक्ट एक क्लास पर्सन के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, तो वो व्यक्ति आसानी से उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत अच्छे बिजनेस के लिए लोकेशन भी बहुत मैटर करती है। आप किस तरह के कंज्यूमर के साथ डील करना चाहते हैं, आप किस तरह के प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, आपका कंज्यूमर किस एरिया में मिलेगा, किस टेरिटरी में मिलेगा, किस एटमॉस्फेयर में मिलेगा और किस प्रोफाइल के लोगों के बीच तक आप अपने प्रोडक्ट को ले जाना चाहते हैं,
इसीलिए लोकेशन भी बहुत मैटर करती है। अगर आपका प्रोफाइल, आपका प्रोडक्ट हाई प्रोफाइल है, हाई वैल्यूएशंस का है, एक डिफरेंट क्लास के लिए है, तो ज़रूरत है आपका लोकेशन इस तरह का होना चाहिए जो उस तरह के कंज्यूमर को आसानी से मिल सके, दिख सके। मतलब अच्छी लोकेशन पर आपका बिजनेस सेटअप होना चाहिए। आपकी शॉप, आपका शोरूम, आपकी आउटलेट एक प्राइम लोकेशन पर होना चाहिए जहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हों, लाइक वहाँ वैले पार्किंग फैसिलिटी हो। ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट फोकस ऑन द चीप और लो कॉस्ट एडवर्टीजमेंट, क्योंकि जिस तरह के क्लाइंटेज के साथ आप डील करना चाहते हैं उस लेवल के एडवर्टीजमेंट पर ही आपको फोकस करना होगा। आपका एडवर्टीजमेंट उस स्टैंडर्ड को मैच करता हो जिस स्टैंडर्ड के कंज्यूमर के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसीलिए कभी भी विज्ञापन करने के लिए सस्ते और घटिया एडवर्टीजमेंट के तरीके को ना अपनाएं, क्योंकि वो आपके ब्रांड की इमेज को डाउन करता है। और आप जानते हैं जो दिखता है वो बिकता है, इसीलिए अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट हाई प्रोफाइल एरिया, हाई प्रोफाइल नेटवर्क, हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशंस, हाई प्रोफाइल मैगजीन्स, टीवी, एफएम, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जहां भी आप एडवर्टीजमेंट करें, दैट शुड बी इन अ स्टैंडर्ड एंड अ सिस्टमेटिक फॉर्म। एड सिमिलर प्रोडक्ट अलॉन्ग साइड, इसका मतलब आप अपने प्रोडक्ट्स के साथ इस तरह के प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन को ऐड करें जिससे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन हो, जो आपको एक्स्ट्रा सेल भी देगा। और कई बार जो लोग अलग तरह के प्रोडक्ट खरीदने आए हैं वो भी डाइवर्ट हो जाएंगे आपके प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने में, अचीव करने में। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सपेंसिव फर्नीचर बनाते हैं तो उसके एड ऑन प्रोडक्ट्स क्या होंगे, अलॉन्ग साइड प्रोडक्ट्स क्या होंगे, जैसे एक्सपेंसिव पिलोज, एक्सपेंसिव पिलो कवर्स, एक्सपेंसिव बेडशीट्स, एक्सपेंसिव कर्टेन्स और बहुत सारी कर्टेन और इंटीरियर से रिलेटेड एक्सेसरीज। और कई बार जब लोग उन एक्सेसरीज को परचेज करने आएंगे तो एडिशनली आपके फर्नीचर की सेल भी बढ़ जाएगी। इंक्रीज योर सेल बाय एडिंग डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस लाइक कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर पेमेंट, ईएमआई सिस्टम और बहुत सारे ऐसे तरीके जिसकी वजह से आप अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। कई बार आपका कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहता है पर आपके पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है, कई बार ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करना चाहता है पर आपके पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है, कई बार वो ईएमआई ऑप्शंस लेना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे जो लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं और आपका कंज्यूमर चाहता है कि आप ईएमआई पर वो दें उन्हें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वो ऑप्शंस भी होने चाहिए ताकि आप आसानी से अपने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को बेच सकें। डिस्प्ले और हाई प्रोफाइल प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज लाइक एयरपोर्ट पर बहुत सारे आपने देखा होगा, होटल्स में कुछ लोग एग्जीबिशन के रूप में, काउंटर्स के रूप में अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले करते हैं, एयरपोर्ट्स पर डिस्प्ले करते हैं, एग्जीबिशंस में डिस्प्ले करते हैं, मीटिंग्स एंड वर्कशॉप्स में डिस्प्ले करते हैं। तो ये भी वो तरीके हैं जहां आप अपने सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। पार्टिसिपेट इन ट्रेड एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और बहुत सारे हाई प्रोफाइल क्लब्स होते हैं, किटी पार्टीज होती हैं जहां पर अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके भी बहुत अधिक सेल ग्रैब कर सकते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत आसानी से आप अपने बिजनेस में एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा सकते हैं और हाई प्रोफाइल कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो इसीलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना सवाल जरूर बताएं कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को सेल करने में आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम एक क्वेश्चन आंसर सीरीज चला रहे हैं, आप अपना कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं या मोबाइल फोन में सेल्फी वीडियो मोड पर जाकर भी आप अपना क्वेश्चन रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए प्रश्न को हम हमारे वीडियो में शामिल करेंगे, इसीलिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये है मेरा नया दोस्त जो मुझे लेटेस्ट ज्वेलरीज की शॉपिंग करवाता है, और मेरा ही नहीं हम सबका नया दोस्त माय आभूषण ऐप। अभी डाउनलोड करें ऐप माय आभूषण।